आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आइए आज हम बनाते हैं काना जी के भोग के लिए गोंद की पंजीरी ये रेसिपी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है और हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन गोंद की पंजीरी जरूर बनाई जाती है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूड जंक्शन बाय नेहा तो, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस पंजीरी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे गोंद ये खाने वाला गोंद होता है और ये पंजीरी में जरूर डालेंगे तो यहां मैंने लिया है सौ ग्राम गोंद। इस गोंद को पहले हम थोड़ा सा सूखा भून लेंगे आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं देखिए ये हल्का हल्का फूलने लगा है इसमें अब हम डाल देंगे दो बड़े चम्मच देसी घी देसी घी डालने से ये गोंद एकदम फूल जाएगा और हमने इसे सीधे घी में इसलिए नहीं डाला ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए तो सूखा भूनने के बाद हम इसे घी में भून लेंगे और आप देखेंगे ये गोंद अच्छे से फूल रहा है इसको जल्दी जल्दी से चला लेते हैं वरना ये जल जाएगा देखिए गोंद अच्छे से भुन गया है इसको एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं और ये जो बचा हुआ घी है इसी घी में हम अपना अगला इंग्रेडिएंट फ्राई करेंगे तो यहां मैंने 100 ग्राम हैं यहाँ हम सभी चीजों को इसलिए भून रहे हैं ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो सके तो देखिए बादाम भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं तो आप इसे लगातार चलाते रहिए वरना ये जल जाएंगे देखिए भुन गए हैं और इन्हें भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं बादाम की वजह से घी का कलर भी चेंज हो गया है और इसी घी में अब हम भूनेंगे खरबूजे की गिरी हमें घी को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है उसी घी में हमारे सारे ड्राई फ्रूट भुन जाएंगे ये देखिए उछल रहे थे इसलिए मैंने दो मिनट के लिए इन्हें ढक दिया है ताकि इनकी छीटे मेरे ऊपर ना आए चलिए इसी के साथ इसमें ऐड कर लेते हैं कसा हुआ गोला ये नॉर्मल गोला है और इसे आप बारीक या मोटा कैसे भी घिस लीजिए तो देखिए इन दोनों चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक बस याद रहे कि ये जले नहीं चलिए ये भून गए हैं इन्हें भी हम उसी बर्तन में अलग कर लेते हैं सभी चीजें हम एक ही बर्तन में अलग करते रहेंगे। चलिए अब एक और चीज भूनते हैं जो मेरे यहाँ पंजीरी में जरूर डाली जाती है तो इसके लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक चम्मच घी और इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच अजवाइन और एक चम्मच जीरा मेरी सासू माँ जन्माष्टमी के दिन गोंद की पंजीरी अजवाइन और जीरा डालकर ही बनाती हैं और इसी पंजीरी का भोग लगाया जाता है तो चलिए जीरा और अजवाइन भी भून गया है इसे भी हम अलग कर लेते हैं और फिर से इसी बर्तन को लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे हम दो कप भरकर मखाने किसी भी ड्राई फ्रूट को हमें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन्हें बाद में हल्का सा पीस लेंगे इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच घी और इसको भून लेंगे इन मखानों को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हाथ से तोड़ने पर टूटे ना देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये आसानी से टूट पा रहे हैं इसका मतलब मखाने हमारे अच्छे से भुन गए हैं चलिए इसको भी अब अलग कर लेते हैं तो देखिए यहाँ हमारे सारे ड्राई फ्रूट भुन गए हैं और अब बनाते हैं हम चाशनी तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे दो कटोरी चीनी क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है तो हम इसमें पानी का कम यूज़ करेंगे इसमें हम सिर्फ आधा कप ही पानी डालेंगे और उसके बाद इसको चला लेंगे ताकि ये चाशनी बनकर जल्दी से तैयार हो जाए चलिए जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा दर दरा सा पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक पाउडर इनका हमें नहीं बनाना है क्योंकि पंजीरी में जब थोड़े मोटे मोटे पीसेस आते हैं तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो चलिए थोड़ा थोड़ा कर कर इनको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और बस एक बार इनको चैन कर लेते हैं आप देखिए मैंने इनको बिल्कुल बारीक नहीं करा है ये थोड़े थोड़े से मोटे हैं तो इसी तरीके से देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को चर्न कर लिया है इसको साइड रख देते हैं और यहाँ लेते हैं हम एक थाली जिसमें हम पंजीरी को जमाएंगे इस पर हल्का सा घी लगा लेते हैं और इसको ग्रीस कर लेते हैं यहाँ मैं इस मिक्सर में थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि पंजीरी एकदम मीठी होती है तो काली मिर्च उसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है इधर देखिए चाशनी भी हमारी तैयार हो रही है और चीनी अच्छे से घुल गई है एक बार चला लेते हैं और अब टेस्ट कर लेते हैं कि चाशनी तैयार है या नहीं तो आप हल्का सा कर्छी पे चाशनी ले लीजिए और हाथों तो की सहायता से इसे देख लीजिए आप देख पा रहे होंगे कि एक तार की चाशनी बनकर तैयार है इस तरीके से एक तार बनना चाहिए अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें चाशनी की एक दो ड्रॉप डाल दीजिए देखिए डालते ही ये ड्रॉप्स जम गई हैं इसका मतलब कि ये चाशनी बिल्कुल तैयार है पंजीरी जमाने के लिए अगर चाशनी इस तरीके से नहीं होगी तो पंजीरी अच्छे से सेट नहीं होगी चलिए चाशनी तैयार है और अब इसमें हम पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को मिला लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पंजीरी अच्छे से जम सके अगर इसमें चाशनी नहीं लगेगी तो पंजीरी भी अच्छे से सेट नहीं होगी मिक्स करने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, फटाफट जमा लेना है वरना ये पंजीरी खराब हो जाएगी तो देखिए थाली पर हमने घी पहले ही लगा लिया था इसीलिए और अब इसमें इस पंजीरी को जमाने के लिए पलट लेते हैं और अब कड़छी की सहायता से इस मिक्सर को प्रेस कर देंगे आप चाहे तो इसे कटोरी से भी कर सकते हैं एक फ्लैट तले वाली कटोरी लीजिए और उस पर हल्का सा घी लगाकर इस तरीके से इसे प्रेस कर लीजिए इससे जब आप पंजीरी के पीसेस काटेंगे तो वो कहीं से मोटे या कहीं से पतले नहीं होंगे एकदम इक्वल पंजीरी कटेगी इस थाली को हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं और आधे घंटे बाद देखिए ये पीसेस काटने के लिए एकदम तैयार है तो आराम से आप किसी भी शेप के इसके पीसेस कट कर सकते हैं यहाँ मैं स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ और आप देखेंगे कितनी आसानी से ये पीसेस कट हो पा रहे हैं मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ एकदम परफेक्ट पंजीरी जमकर तैयार हुई है वैसे आप सभी और किस किस तरीके की पंजीरी बनाते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये पंजीरी एकदम परफेक्ट जमी है तो चलिए फ्रेंड्स इसको प्लेट में लगा लेते हैं और चलते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं विद सेम आईडी फूड जंक्शन बाय नेहा मिलते हैं आज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल की बहुत ही आसान सी पंजीरी की रेसिपी इसे आप नारियल पाक भी कह सकते हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तो फूड जंक्शन बाय नेहा आइए स्टार्ट करते हैं पंजीरी बनाना इसके लिए हमें चाहिए गोला तो ये नॉर्मल गोला है जो सूखा हुआ आता है इसको हम घिस लेंगे देखिए यहाँ मैंने डेढ़ गोले का यूज करा है और इसका हमें ब्राउन पार्ट भी अलग नहीं करना इस पूरे गोले को हम घिस लेंगे इसी गोले में हम ऐड कर देंगे बिल्कुल चौथाई चम्मच जायफल जिसको मैंने इसमें घिस लिया है बस चार से पांच बार हमें इसे हल्का सा घिस लेना है तो इसको साइड रख देते हैं चलिए अब बाकी सामग्रियों को भून लेते हैं तो यहाँ हमें चाहिए एक कटोरी खरबूजे की गिरी हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं बस खरबूजे की गिरी और थोड़ा सा बादाम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इन खरबूजों की गिरीयों को भून लेंगे आप देखेंगे खरबूजे की गिरी भुनने लगी है ये चटक रही हैं, मतलब उछल रही हैं। तो इनको अलग कर लेते हैं और अब इसी कढ़ाई में हम भून लेते हैं दो चम्मच पॉपी सीड मतलब खसखस इसका फ्लेवर पंजीरी में बहुत ही अच्छा आता है तो हमें ज़्यादा इसके सीड्स नहीं लेने हैं सिर्फ दो ही चम्मच खसखस लेनी है इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच बादाम करीब करीब आठ से दस बादाम हैं जिनको थोड़ा मोटा मोटा कोट लिया है इसको भून लेते हैं ये पंजीरी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है देखिए ये भी बुन गए हैं इन्हें हम अलग कर लेते हैं तो इन सभी चीजों को एक बर्तन में अलग रखते रहेंगे अब इसी कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे नारियल जिसको हमने घिस लिया था आप देखेंगे इस पंजीरी को बनाने में हमने बिल्कुल भी घी का यूज नहीं करा है और ना ही हम मावा यूज करेंगे इसे हम बिना मावा और बिना घी के तैयार करेंगे देखिए नारियल को भी हमें भून लेना है नारियल को हमें लगातार चलाते रहना है वरना ये तलीपे से जल सकता है तो इसे जल्दी जल्दी हम चलाते रहेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे बहुत ही जल्दी ये पंजीरी बनकर तैयार हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इस नारियल पाक को बनाना इतना आसान है कि कोई बिगनर भी इसे बनाकर तैयार कर सकता है।, तीन से में ये नारियल भुन गया है और ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है चलिए इसको भी हम उसी परात में निकाल लेते हैं आप जन्माष्टमी पर और किस किस तरह की पंजीरी बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा देखिए अब गैस पर फिर से कढ़ाई रख लेते हैं और इस पंजीरी को जमाने के लिए चाशनी बनाते हैं तो चाशनी के लिए मैं दो कटोरी चीनी का यूज करूंगी ये काला काला लौंग का टुकड़ा था क्योंकि हम चीनी में लौंग डालकर रखते हैं तो यहाँ देखिए मैंने दो कप चीनी ले ली है और इसमें ऐड करेंगे हम पौना कप पानी इसी कटोरी से नाप कर हम पौन कप पानी डालेंगे इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि चाशनी हमें थोड़ी गाढ़ी बनानी है अगर चाशनी पतली हो जाएगी तो पंजीरी अच्छे से नहीं जमेगी इसको चला लेंगे ताकि चीनी और पानी घुल जाए और इसे पांच मिनट तक हम पका लेंगे बहुत ज्यादा पतली चाशनी नहीं होनी चाहिए इसको अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि चाशनी तैयार है या नहीं तो आप इस तरीके से हाथ पर चाशनी ले लीजिए और देखिए इसमें तार बन पा रहा है इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है अगर तार नहीं बनेगा तो हमें इसे एक दो मिनट और चलाना पड़ेगा तो यहाँ चाशनी तैयार है और इसमें हम भुनी हुई सारी सामग्रियों को मिला लेते हैं और चाशनी में इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ों में चाशनी अच्छे से लग जाए और ये पंजीरी बहुत अच्छे से जम जाए तो देखिए इस तरीके से आप उठा के सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा चलिए पंजीरी जमाने के लिए तैयार है तो यहाँ हम एक थाली ले लेते हैं और इसमें घी लगा लेते हैं ताकि जब हम पंजीरी को निकालें इसमें से तो वो आसानी से थाली पे से निकल सके और इसमें अब हम पंजीरी के मिक्सर को डाल देते हैं चाशनी में मिलाने के बाद चीज़ों को हमें इसे बहुत जल्दी से जमाना पड़ेगा वरना पंजीरी अच्छे से नहीं जमेगी इसको अब हम स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और पंजीरी के पीसेस जो आएँ वो बिल्कुल इक्वल आएँ इसके अलावा हम एक कटोरी लेंगे जिसका तला फ्लैट हो उस पर घी लगाएंगे और उससे भी इस पंजीरी को एक सार कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से इस पंजीरी को एक सार कर लीजिए और दो से तीन घंटे के लिए हम इस पंजीरी को सेट होने के लिए रख देंगे ताकि जब हम इसके पीसेस काटें तो वो इजिली कट हो जाए तो देखिए तीन घंटे हो गए हैं और ये पंजीरी एकदम सेट हो गई है चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं तो कितनी टेस्टी लग रही है और बहुत ही जल्दी ये पंजीरी बनकर तैयार हो गई है तो मैं यहाँ स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूं आप इसे किसी भी शेप के पीसेस में कट कर सकते हैं और ये पंजीरी तैयार है भगवान का भोग लगाने के लिए कितने कम ड्राई फ्रूट से सिर्फ गोले और खरबूजे की गिरी से हमने इस पंजीरी को बनाकर तैयार कर लिया है वैसे तो आप चाहें तो इसमें मखाने काजू और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं पर मैंने इसे सिर्फ इतने ही ड्राई फ्रूट से बनाकर तैयार करा है देखिए कितनी आसानी से ये थाली पे से अलग हो गई है और कितने परफेक्ट पीसेस के आए हैं तो लग रही है ना स्वादिष्ट अब जब भी कोई व्रत हो या त्योहार हो और जैसे कि कल जन्माष्टमी है तो भगवान का भोग लगाने के लिए आप इस नारियल की पंजीरी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी इस पंजीरी को नारियल पाक भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसे नारियल से तैयार करा है तो यहां इसके पीसेस निकाल लेते हैं एक प्लेट में और चलते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए आइए उससे पहले मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट पंजीरी बनकर तैयार हुई है तो है ना एकदम आसान सी और अमेजिंग सी रेसिपी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम आईडी डी फूड जंक्शन बाय नेहा फिर से आप सभी को एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं राधे राधे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई अमेजिंग सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग